दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11x30 का प्लान। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैंने डिजाइन किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसका फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर मैंने डिजाइन किया है। आप इसको टॉप से ऐसे देख सकते हैं, ऊपर से इसको बोलते हैं, और इसका साइड व्यू आप ऐसे देख सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और फ्रंट से आपको ये मॉडल ऐसा दिखने वाला है। तो इस मॉडल को मैंने डिजाइन किया हमारे एक सब्सक्राइबर, तो उनके कहने पर। अगर आप भी चाहते हैं कोई स्पेसिफिक मॉडल डिजाइन करना, तो हमें कमेंट करके बताएं कि हम किस मॉडल को डिजाइन करें। और सारे मॉडल तो मैं डिजाइन नहीं कर पाता, बट किसी ना किसी का एक मॉडल जरूर डिजाइन करता हूं। और आज की मैं बात करूंगा 11x30 हाउस प्लान या होम डिजाइन। तो चलो हम उसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को आप जरूर फॉलो कर लें, तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलो पूरा डिटेल हम जान लेते हैं। तो हमेशा की तरीके से हम स्टार्टिंग में इसको करेंगे ट्रांसपेरेंट के। मैं ट्रांसपेरेंट करता हूं इस मॉडल को। और जैसे आप ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो देखिए ये मॉडल आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी में ऐसा दिखने वाला है। सारी दीवारें हाइड हो जाती हैं, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मॉडल सेम टू सेम दिखने वाला होता है। अगर हम टॉप की बात करें, तो टॉप से ये मॉडल आपको ऐसा दिखेगा, और साइड की बात करें तो साइड से मॉडल आपको ऐसा दिखने वाला है, फ्रंट से ऐसा दिखेगा। तो ये तो हो गया ट्रांसपेरेंसी में। अब हम इसके ओरिजिनलिटी पर फिर से इसको ले चलते हैं और आपको डिस्कस करके बताते हैं पूरा मॉडल। तो सबसे पहले इसका हम ले चलेंगे आपको ग्राउंड फ्लोर पर। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, तो ये आपको फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है, फ्रंट व्यू। सामने से आपको मकान ऐसा दिखे, मेन डोर ये है, उसके ऊपर एक आपको रोशनदार मिल जाता है, ये आपको एक बड़ा सा विंडो मिलता है, उसके ऊपर एक स्मॉल विंडो। जैसे आप मेन डोर से एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर एंटर करके आपको मिल जाते हैं स्टेयर्स, जो कि आपको ऊपर जाने के काम आता है। इसके नीचे आपको लेटरिन एंड बाथरूम कम्बाइंड, साइड में आपका किचन, और लास्ट में आपको एक बेडरूम मिल जाता है बेहतरीन सा। आप ये साइज दोस्तों बहुत ही कम है, 11x30 साइज बहुत ही कम होता है, क्योंकि चौड़ाई बहुत ही कम होने के कारण ये मॉडल आपको जो बन के नजर, इसमें सारी चीजें हमें एडजस्ट भी करनी है, सब कुछ करना है। तो ये मॉडल आप देख पा रहे होंगे 11x30 में एक बेडरूम, ये आपका किचन बाथरूम, किचन और लेटरिन बाथरूम और स्टेयर्स आपको मिल जाते हैं, ये आपको स्पेस भी आगे मिल जाता है। तो ये पूरा मॉडल है। और आपको इस वाले रूम के लिए ये यहाँ से मिलता है आपको डोर, जो कि एंट्री डोर है, और ये आपका किचन है, इसमें आपको यहाँ से डोर मिलता है। आप चाहें तो किचन को और भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाली या कुछ भी लगवा सकते हैं। ये आपका लेटरिन एंड बाथरूम हो जाता है, और स्टेयर्स आपका एल साइज के, आप ऊपर जाएंगे फिर आपको मुड़ना पड़ेगा हल्का सा, और आप पहुंच जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये मॉडल था 11x30 में, काफी स्मॉल हाउस प्लान है। और अब हम इसको ले चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, तो ये आपको पूरा टोटल ऐसा दिखने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट फ्लोर भी है। आप जैसे ऊपर आएंगे, तो आप देखिएगा वही बेडरूम, वही लेटरिन, वही किचन और वही लेटरिन बाथरूम, वही स्टेयर्स आपको मिल जाती हैं। बस आपका फ्रंट से लुक थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने, बड़ा सा एक ग्लासेस लगा दिए हैं, जो कि आप डोर का भी काम करेगा, विंडोज का भी काम करेगा, और आपको लगभग 2 से 2.5 फीट का ये बालकनी भी मिल जाता है, जिसमें आपका ये रेलिंग लगी है। तो ये पूरा मॉडल हो जाता है आपका 11x30 का। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ जीने को मैंने ढक दिया है, जो आप गुमटी से देख रहे होंगे ये जीना है, जो स्टेयर से ऊपर आएंगे और उससे आप यहाँ पर टहल सकते हैं, और आपका ये 2.5 फीट का वही फिर से बालकनी। ये पूरा मॉडल था 11x30 का। ये मॉडल कैसा लगा कमेंट करके बताएं, तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो होम डिजाइन से रिलेटेड लगातार मिलते रहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।